Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications. भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा गहन मंथन में जुटी है। पिछले कई दिनों से ये मंथन लगातार चल रहा है। रविवार देर शाम तक पार्टी तकरीबन 60 से 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। 20 ऐसी सीटों पर भी गहन मंथन चल रहा है जहां पार्टी 2014 के विधानसभा चुनाव में दूसरे या फिर तीसरे पायदान पर रही थी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की मोहर लगना बाकी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस लिस्ट को हरियाणा की पार्टी इकाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फाइनल किया था, लगभग उसी पर मोहर लगने की संभावनाएं हैं। जिन 20 सीटों पर गुत्थी उलझी है उसके लिए पार्टी आला कमान की राज्य इकाई के साथ बैठक कर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। हम आपको बता दें कि 2014 में जिन 17 सीटों पर पार्टी दूसरे वे 19 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी, इन सीटों के लिए दूसरी सूची जारी होने की संभावना है। तो पार्टी पहली सूची में 55 से 60 नाम घोषित कर सकती है। जिन सीटों पर पेच फंसा दिखाई दे रहा है उनमें खरखोदा, बड़ौदा, हांसी, पुंडरी, बरवाला, बाढड़ा, सिरसा, गुड़गांव, हथीन, पुंडरी सहित तकरीबन 20 सीट ऐसी हैं जहां पेच फंसा नजर आता है, जबकि 10 ऐसे वर्तमान विधायक भी हैं जिनके टिकट कटने की भी संभावना है। हालांकि 5 से 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां पार्टी पिछली बार तीसरे से चौथे नंबर पर रही थी, वहां से ताकतवर प्रत्याशी को उतारा जाए ताकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जीत निश्चित हो सके। इसके लिए भी पार्टी गहरे मंथन में जुटी है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि रविवार शाम तक तकरीबन 60 से 70 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।